ओम शांति। 29 जनवरी के ईश्वरीय महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, आत्मा को निरोगी बनाने के लिए रूहानी स्टडी करो और कराओ, रूहानी हॉस्पिटल खोलो। प्रश्न है, कौन सी एक आशा रखने से बाकी सब आशाएं पूर्ण हो जाती हैं? जवाब, सिर्फ बाबा को याद कर एवर हेल्दी बनने की आशा रखो। ज्ञान योग की आशा पूर्ण की तो बाकी सब आशाएं स्वतः पूर्ण हो जाएंगी। बच्चों को कोई भी आदत नहीं रखनी है, ऑलराउंडर बनना है। भले खामियां हर एक में हैं, परंतु सर्विस जरूर करनी है। गीत है, धीरज धर मनुआ धीरज धर। ओम शांति। आज के मेन पॉइंट से, शिव बाबा रूहानी बाप है और हमें रूहानी स्टडी सिखा रहा है, रूहानी सर्जन है। बाबा हमें कहता है तो मैं बाहर बोर्ड पर भी ऐसे लिखना चाहिए, ब्रह्मा कुमारी रूहानी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, मतलब रूहानी अक्षर जरूर डालना है। यह हॉस्पिटल भी है। पतित पावन ज्ञान सागर शिव बाबा को कहते हैं जो इस समय हमें धीरज देते हैं, बच्चे मैं आया हूँ, मैं अविनाशी सर्जन हूँ, तुम रूहों के सब रोग ठीक कर दूंगा, मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ, मुझे सुप्रीम रूह भी कहते हैं। बाबा कहे, बच्चे जब बहुत दुखी होते हो तो तुम क्या कहते हो? हे परमात्मा रहम करो, हम कंगाल हैं, दुखी हैं, मेहर करो। कोई साहूकार होगा तो वो पैसा दे देगा, पैसा मिल गया तो कहेंगे ईश्वर ने दिलाया। कोई कारपेंटर होगा तो कहेंगे हमारे सेठ ने दिया। अरे तुम सबको बताओ, हमारा पिता परम पिता परमात्मा है। परम पिता परमात्मा से हमारा संबंध क्या है, ये सबको बताना है। तुम्हें हर एक जगह जाके समझाना है, प्रदर्शनियाँ करनी है, बड़े बड़े चित्र लगाने हैं। देखो, अच्छे और बुरे दोनों ही आएंगे, अपनी संभाल खुद करनी है। चीफ जस्टिस को भी समझा के उनकी ओपिनियन लिखवा लेनी चाहिए। कंस्ट्रक्शन का उद्घाटन कराते हैं, बाबा कहते बच्चे अगर कोई समझदार होगा तो समझेगा, बेसमझ को समझाएंगे तो कुछ समझ नहीं सकेगा। देखो जो प्रदर्शनी में समझाने वाले हैं वो भी बड़े अच्छे समझदार होने चाहिए, ऐसे ही बुद्धुओं को नहीं वहाँ खड़ा कर देना चाहिए। अब बाबा कहते ईश्वर ज्ञान देता है, जिससे तुम ज्ञान गणेश्वरी सो राजेश्वरी बनते हो। अब बाबा कहे, बच्चे खर्चे तो होते जाएंगे, लेकिन तुम बच्चों की बुद्धि विशाल होनी चाहिए। धन दिए धन ना कूटे, बाबा सर्वशक्तिवान है, तो बाबा से योग लगा के हमारे में भी शक्ति आएगी। बाकी उस शक्ति से हम माया पर जीत पहनना सीखते हैं। बाकी देखो, जब स्थापना होती है तो बातें तो आती हैं, कलंक तो लगते ही रहते हैं, लेकिन तुम बच्चों को बाबा को याद कर आगे बढ़ना है। बाबा तुम्हारा देखो कितना श्रृंगार करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग धारणा है। आराम पसंद नहीं बनना है, सर्विस का बहुत शौक रखना है, सर्विस में ही पैसे खर्च करने हैं, मनुष्यों के जीवन कांटों से फूल बनानी है, सदैव कंस्ट्रक्शन का काम ही करना है, डिस्ट्रक्शन नहीं करनी है, अपने आप से बातें करनी है, हम कहाँ जा रहे हैं और क्या बन रहे हैं। आज का वरदान है शक्तिशाली याद द्वारा परिवर्तन, खुशी और हल्केपन की अनुभूति करने वाले समृद्धि सो समर्थ स्वरूप भव। शक्तिशाली याद एक समय पर डबल अनुभूति कराती है, एक तरफ याद की अग्नि बन भस्म करने का काम करती, परिवर्तन का काम करती, और दूसरी तरफ खुशी व हल्केपन का अनुभव कराती। ऐसे विधिपूर्वक शक्तिशाली याद को ही यथार्थ याद कहा जाता है। ऐसी यथार्थ याद में रहने वाले समृद्धि स्वरूप बच्चे ही समर्थ हैं। यह समृद्धि सो समर्थि ही नंबर वन प्राइस का अधिकारी बना देती है। स्लोगन है, अनुभवी वह है जिसकी दिल मजबूत और बुजुर्ग है। अनुभवी वह है जिसकी दिल मजबूत और बुजुर्ग है। लवलीन स्थिति, परमात्म प्यार इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म का आधार है। कहते भी हैं, प्यार है तो जहान है, जान है प्यार नहीं तो बेजान बेजहान है। प्यार मिला अर्थात जहान मिला, दुनिया एक बूंद की प्यासी, और आप बच्चों को
यह प्रभु प्यार प्रॉपर्टी है, इसी प्रभु प्यार से पलते हो अर्थात ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ते हो तो सदा प्यार के सागर में लवलीन रहो। आज सारा दिन याद रखेंगे, मैं समर्थ आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ।